आज हम बनाने जा रहे हैं गाउन, जिसके लिए हम एक गाउन से नाप लेंगे और उसके लिए हम एक नए गाउन की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको गाउन की कटिंग करना सिखा रही हूँ। ये हमारा नाप है, ये हमारा पूरा मेजरमेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए। और हमारे इस गाउन की लंबाई है 52, ये देखिए गाउन की लंबाई हमारी 52 है और हमारी स्कर्ट की चौड़ाई है 36, ये देखिए। इसके बाद हम टॉप की नाप लेंगे, टॉप की चौड़ाई हमारी लंबाई है 15 और हमारी टॉप की चौड़ाई है 24। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाउन से नाप। इसके लिए हम सबसे पहले ऐसे गाउन को बिछाएंगे कपड़े के ऊपर और ये पूरा कपड़ा है 4 मीटर। सबसे पहले हम आगे का पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए हम गाउन को कपड़े पे ऐसे बिछाएंगे। कपड़े भी देख लीजिए, एक भी सलवट ना हो, बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए, ये बिल्कुल। उसके बाद में हम यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे गले से, जैसे ये हमारा गला है, हम गले से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है 3 इंच, इधर से भी हमारा 3 इंच। फिर ये हमारा मुड्ढा है, हम यहाँ तक निशान लगाएंगे। फिर अब हम यहाँ साइड से निशान लगाएंगे इसके ऐसे, और हम इधर भी ऐसे साइड से निशान लगाएंगे। इसके बाद हम ओवरऑल पूरा ऐसे ही गाउन के बराबर से निशान लगाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको गाउन कटिंग करना सिखा रही हूँ। और फिर हम ऐसे ही नीचे लगाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा लेंगे, 2.5 इंच कपड़ा ऐसे, और फिर हम ऐसे स्कर्ट का नाप लगा देंगे। ऐसे, और फिर ऐसे ही हम साइड से इसका निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग गया है। अब हम इससे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके निशान लगाएंगे कटिंग के लिए। ये हमारी पूरी फिटिंग का कपड़ा है ऐसे। अब हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और निशान लगाएंगे ऐसे साइड से। निशान लगाना है और ऐसे ही हम साइड से लगाएंगे ऐसे स्कर्ट की गोलाई देते हुए। साइड से निशान लगाना है और यहां से हम जो है इसको कट करेंगे। ओके, अब हम इसको हटा लेंगे और अब हम यहाँ पे टॉप का निशान लगाएंगे कि हमें 15 इंच पे इसको कट भी करना है यहाँ पे हम इसको 15 इंच पे कट करेंगे। इसके लिए हम ऐसा निशान लगा लेंगे। इसके लिए आप चाहे तो स्केल का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। 1 इंच कपड़ा रखेंगे ऐसे, जो हमारा सिलाई में आ जाएगा ऐसे, इसका निशान लगा लीजिए। उसके बाद में हम ऊपर भी ऐसे, ये हमारा ओवरऑल पूरा निशान है। इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा सिलाई में फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करके ऐसे निशान से मिलाइए और फिर हम यहाँ पे 1 इंच नापेंगे। 1 इंच नापने के बाद ऐसे निशान लगाएंगे और फिर हम ऐसे ओवरऑल मिलाएंगे। ये हमारा यहाँ से कट होगा और इसके बाद हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा सिलाई यहाँ से आएगा ऐसे। ओके, ऐसे हमें दूसरी साइड से करना। यहाँ भी 1 इंच निशान रखेंगे और ऐसे लगाएंगे।
वैसे हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, तो मैं इस आगे वाले पार्ट को कट कर लूंगी। ताकि कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए, मैं इसे कट ऐसे हम साइड से कट करेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट कट हो गया है, अब हम इसका पीछे का पार्ट कट करेंगे। जैसे बिछा लीजिए पीछे का पूरा, और इसके ऊपर हम सामने वाला पार्ट रख के कट कर देंगे। और बस हमें इसको बिछा के इसके ऊपर कट करना है, हमें कोई ड्राफ्टिंग नहीं करनी। हमने आगे बिछा लिया, पहले हम इसके ऊपर का टॉप कर रहे हैं। यस, ऐसे हम लोग ऊपर का टॉप कर रहे हैं। यहाँ से कट करना है, हम इधर से कट कर यहाँ से भी काट देना।
से इस कहानी का पार्ट खत्म कर दूंगी। जहाँ मैंने ड्राफ्टिंग की थी वहीं से मैं इसका पार्ट कट कर दूंगी। हमारे टॉप की दोनों पार्टी कटिंग हो चुकी है। ऐसे ये देखो दोनों पार्टी कटिंग हमारी हो चुकी है। ये ऐसे अब मैं ऐसे स्कर्ट की कर लूंगी। ऐसे हमें स्कर्ट की भी करनी है। ऐसे मिला लीजिए बराबर। ऐसे बिल्कुल बराबर मिलाइए। निशान लगाना और यहाँ से हमें कट करना है। हमारी दोनों स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे टॉप की भी हो चुकी है। ये रही है। ठीक है, अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हम ऐसे रखेंगे। तो हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये बाजू कटिंग के लिए हम ऐसे रखेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे। जैसे हमारी बाजू है इसे ऐसे रखिए और ऐसे निशान लगाना है। ऐसे ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये हमारा फोल्ड के लिए है। ठीक है, और ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा ताकि ये सिलाई में आ जाए। यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक यहाँ पे ये हमारा जो है ऐसे हम करके निशान लगा देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा।
बस ऐसे हम बाजू की कटिंग कर देंगे। हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है, ये हमारे पूरे गाउन की कटिंग हो गई है। इस तरह आप बहुत सिंपल तरीके से गाउन की कटिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू।